दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिनोज पे। फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका जो IPO आया है, एक बहुत बड़ा IPO आया है, 1000 करोड़ का ये IPO है। देखिए, अभी मार्केट में देखेंगे तो कुछ दिन से बहुत सारे IPO आपको देखने को मिला रहेगा। उसमें से कुछ IPOs ने थोड़ा बहुत रिटर्न दिया और ज़्यादातर IPOs में जो है गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। IRM एनर्जी का भी आप देखेंगे तो उस शेयर में जो है कुछ खास तेज़ी नहीं दिखाया IPO आने के बाद। तो अभी यहाँ पे फेडबैंक का जो है IPO आ रहा है और इसको लेके दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे डिटेल्स जो है इकट्ठा किया है, इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मतलब जितने भी डिटेल्स है फेडबैंक के IPO को लेके, फेडबैंक को लेके, तो वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिक्वेस्ट करते दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देख रहे और रिक्वेस्ट करते हुए सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के नीचे कमेंट में हम लोगों ने या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारा जो नया यूट्यूब का चैनल है उसका भी लिंक देखे रखा है, वहाँ पे भी आपको जो रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएगा शेयर मार्केट से जुड़े, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। दोस्तों, यहाँ पे जो फेडबैंक का IPO आया है, इसका ओपन डेट आप देख सकते हैं 22 नवंबर 2023 को था, क्लोज डेट था 24 नवंबर 2023 को। लॉट साइज 107, IPO साइज 1100 करोड़ का है। मतलब एक बोल सकते हैं कि अभी जो कुछ दिन में IPO आया, जैसे कि IRM है, ESF है, और भी दो तीन IPO आया है, उसमें से देखेंगे तो एक ज़बरदस्त बड़ा IPO जो लेके आया है ये फेडबैंक। अभी इसका IPO प्राइस रेंज जो रखा है 133 से लेके 140 के बीच में, मतलब प्राइस रेंज थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है यहाँ पे। एंड इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,200 के ऊपर का है यहाँ पे जो आपको करना है, और लिस्टिंग जो कर रहा है यहाँ पे, ये लिस्टिंग NSE और BSE दोनों जगह पे ये लिस्ट हो रहा है, NSE और BSE दोनों जगह पे ये लिस्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि अलॉटमेंट जो है, जो अलॉटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा जो कि 30 नवंबर 2023 को है। रिफंड्स, मतलब आपको अगर आपने IPO में अप्लाई किया है, आपको अलॉटमेंट में जो है शेयर्स नहीं मिला है, तो उसका जो रिफंड है आपको 1 दिसंबर 2023 को मिल जाएगा। क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, मतलब उसका जो शेयर्स, मतलब जो शेयर्स है, मतलब अगर आपने IPO में अप्लाई किया है और उसमें आपको शेयर्स मिला है अलॉटमेंट में, तो वो शेयर्स आपको जो आपका डीमैट अकाउंट है, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसके डीमैट अकाउंट में मिल जाएगा 4 दिसंबर 2023 को। वही दोस्तों जो लिस्टिंग डेट है, मतलब जो ये जो लिस्ट होगा शेयर मार्केट में, वो लिस्ट होगा 5 दिसंबर 2023 को। अभी यहाँ पे देखिए, मतलब इसका जो लिस्टिंग डेट है 5 दिसंबर 2023 को है, जब आप शेयर वगैरह खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो फेडबैंक का। तो यहाँ पे दोस्तों 1100 करोड़ का जो ये IPO है, प्राइस रेंज रखा है 130 से लेकर 140 के बीच में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,000 के ऊपर करना है, लिस्ट हो रहा है BSE और NSE में। अभी यहाँ पे बात करते हैं इसके फेडबैंक IPO का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है उसको लेके। तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस में देख सकते हैं, जहाँ पे QIB 0.00 है, NII 0.22 है, रिटेल 0.70 है, टोटल 0.39 है। 23 नवंबर 2023 का यहाँ पे देखते हैं, जो कि QIB जो है 0.56 है, NII 0.54, रिटेल 1.30, टोटल 0.92। 24 नवंबर 2023 को 3.48, NII 1.49, रिटेल 1.88, टोटल 2.24। फेडबैंक IPO जो यहाँ पे लिस्ट हो रहा है दोस्तों, इसका हम लोग यहाँ पे जो अभी जो IPO का डिटेल्स देखा है, तो इसमें थोड़ा यहाँ पे देखिए जो कंपनी है, इसका रेवेन्यू जो है फेडबैंक IPO का, बहुत ही ज़बरदस्त रेवेन्यू में जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 869.31 करोड़ इसका रेवेन्यू था 2022 में, और बढ़ के वो 1178.80 करोड़ हुआ है 2023 में। वही दोस्तों बात करते हैं इसका जो EBITDA है, EBITDA में आप देख सकते हैं जो कि 523.55 करोड़ का था, वो बढ़ के, मतलब 2022 में जो है 523.55 करोड़ का था, और वो बढ़ के 2023 में 757.04 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पे भी EBITDA जो है, इसमें भी एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। अभी दोस्तों यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है फेडबैंक, इसका जो अभी ग्रोथ है, एक ज़बरदस्त ग्रोथ जो यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट की बात करते हैं,
टोटल एसेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अभी जो है फाइनेंशियल 2023 में 9070.91 करोड़ का है। शेयर कैपिटल यहाँ पे देख सकते हैं 321.90 करोड़ का है। टोटल बोरिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग ओवरऑल इसका कंपनी का डिटेल्स देखते हैं, जहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, EV/EBITDA बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और पैट भी दोस्तों पैट में भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है कंपनी का उसमें भी ज़बरदस्त एक ग्रोथ हुआ है। डिटेल्स में समझते हैं फेड बैंक का जो IPO आया है उसमें आप देख सकते हैं इसका जो AUM है 9070 करोड़ का है, ग्रॉस NPA परसेंट 2.03% का है, नेट NPA परसेंट में 1.59% का है, PCR 22.19% का है, नंबर ऑफ ब्रांचेस 584 ब्रांचेस है इसके पास, AUM ब्रांचेस 16.14 करोड़ का, डिसबर्समेंट पर ब्रांच 5.08 करोड़ का होता है। तो अभी यहाँ पे जियोग्राफिकली देखेंगे इसका जो प्रेजेंस है जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो इसका जो प्रेजेंस है लगभग 17 स्टेट्स में है एंड यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन साउथर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। एज ऑफ June 30, 2023 दे कवर्ड 190 डिस्ट्रिक्ट्स इन 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया थ्रू 584 ब्रांचेस। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर स्टेट्स में इसके ब्रांचेस है अभी, तो जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए इसका रेवेन्यू जो है बोल सकते कि यहाँ पे देख सकते द सिक्स स्टेट्स जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी एंड दिल्ली अकाउंटेड फॉर 93.65% ऑफ AUM। तो ये जो कुछ स्टेट्स है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी एंड दिल्ली, इस स्टेट से जो इसका AUM परसेंटेज है वो 93.65% का है। आप कौन सा स्टेट से हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। तो अभी देखिए ये जो IPO लाया है दोस्तों, एक बहुत बड़ा IPO इसने लाया है फेड बैंक ने, तो इसके चलते अगर देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। IPO का यहाँ पे देखेंगे जो लाया है मतलब 1092 करोड़ थ्रू द IPO, इसमें से 601 करोड़ जो है 601 करोड़ मतलब इसका जो IPO है उसमें से लगभग फ्रेश इशू जो है विल बी यूटिलाइज फॉर मतलब ये जो बोल सकते कि ये जो IPO लाया है उसमें से 601 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेगा ये जो बोल सकते कि कंपनीज टीयर वन कैपिटल बेस में और मीटिंग ऑफर एक्सपेंसेस। तो देखिए अभी जो एक मतलब बोल सकते कि ये जो 17 ब्रांच में चल रहा है इसमें से देख सकते हैं जहाँ पे देयर एवरेज कॉस्ट बोरिंग्स इज 2.22 एज ऑफ Q1 फाइनेंशियल 2024 एनालाइज्ड 8.88%। दे हैव द सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स अमाउंग द MSME गोल्ड लोन एंड MSME एंड गोल्ड लोन पीयर सेट इन इंडिया फाइनेंशियल 2023। तो इसका जो है MSME भी अच्छा खासा एक बिजनेस रखा है आप बोल सकते हैं। तो इसका फिलहाल अभी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस का दोस्तों हम लोगों ने कोशिश की इसको लेके जो भी डिटेल्स है वो इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करने के लिए। आपको क्या लगता है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस को लेके ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं बेच देना, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।